हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव ऑफ क्लास एट्थ हिस्ट्री सो अवर टॉपिक इज व्हेन द पीपल एटीन 1857 एंड आफ्टर सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्ट रिजल्ट मीज विद्रोह करना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या विद्रोह हुआ था एटीन में और उसके बाद में सो स्टूडेंट लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर फिगर नंबर वन सितोए एंड द दीजेंट गैदर फोर्स फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन 1857 फिफ्टी सितोए का मतलब होता है सोल्जर सिताही तीजेंट्स का मतलब क्या होता है फार्मर तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि सोल्जर्स और जो हमारे तीजेंट्स थे वो क्या हुए थे गैदर हुए थे किस लिए गैदर हुए थे रिवोल्ट करने के लिए रिवोल्ट कब हुआ था पूरा रिवोल्ट स्प्रेड हो गया था कहा थे प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857 सो स्टूडेंट्स पॉलिसीज एंड द टीतल इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक एट द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आप द प्रीवियस चैप्टर ने देखा होगा क्या देखा होगा पॉलिसीज देखी होगी किसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पॉलिसीज ने क्या इम्फेक्ट डाला डिफरेंट डिफरेंट तीतल के ऊपर किसके उपर इम्पैक्ट डाला किंग्स क्वीन तीजनस लैंड लैंडलॉर्ड्स ट्रेवलर सोल्जर तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर इनकी पॉलिसीज का इफेक्ट पड़ा था अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट वेज में यू हैव ऑल्सो सीन हाउ द टीतल रिसाइड पॉलिसी एंड एक्शन टू हार्म देयर इंटरेस्ट एंड सेटीमेंट सो आपने इसने देखा होगा कि कैसे 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी तीतल ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी को रजिस्ट कर रहे थे क्योंकि तीतल इंटरेस्ट और सेडिमेंट्स को क्या तड़ रहा था हार्म पहुंच रहा था ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट है हमारा नवाब लॉसेस देयर हम इसमें पढ़ेंगे कि नवाब ने कैसे अपनी टावर को लॉस किया सिंस द मिड एटीन सेंचुरी नवाब एंड राजा हैज सीन देयर पावर रोड अब आप देखेंगे कि जो मिड एटीन सेंचुरी थी उसने जो नवाब थे और राजा थे कैसे उनकी पावर क्या हो गई इरोड हो गई यानी कि खत्म हो गई दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड ओनर उन्होंने क्या किया अपना अथॉरिटी और ओनर दोनों का ही लॉस कर दिया था रेसिडेंट है फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस एंड द आर्मी फोर डिस्डेंड एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरेटरी टेकन अवे बाई द स्टेट स्टूडेंट इसको ध्यान से समझेगा क्या होता था की जो राजा के दरबार ने मंत्री हुआ करते थे ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारा जो एक मंत्री होगा वो आज सदी के कोर्ट में हमेशा रहेगा ब्रिटिशर्स ने ऐसा कह दिया था कि हमारा जो एक मंत्री रहेगा वो आज सद के कोर्ट में हमेशा रहेगा यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोल दिया था रिसिसेट का मतलब क्या था कि उनका जो एक मंत्री रहेगा वो हमेशा कोर्ट में रहेगा और वो क्या करता रहेगा राजा के डिसीजन पे क्या करता रहेगा इंटरप्ट दैट मीन कि वो राजा के डिसीजन ने क्या करता था दखल करता था द फ्रीडम ऑफ रूलर रिड्यूस और जो रूलर्स की फ्रीडम थी वो क्या हो गई रिड्यूस हो गई एंड देआर आर्मी फोर्स डिस्डेंड और उनकी आर्मी फोर्स क्या हो गई डिस्पेंड हो गई उनकी रेवेन्यू उनकी टेरटरीज सब चीजें क्या कर ली गई उनसे छीन ली गई मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशियट बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज थी वो क्या कर रही थी ट्राई कर रही थी नेगोशिएट कर रही थी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके खुद के इंटरेस्ट को फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मी दाई ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी झांसी की थी वॉन्टेड द कंपनी वो चाहती थी कि जो उनका सन था जो उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट करके रखा था वो चाहती थी कि जो किंगडम था ना उसने रानी लक्ष्मीदाई का जो अडॉप्टेड सन था वो क्या बन सके किंग बन सके कब किंग बनेगा आफ्टर द दे डेथ ऑफ अर हसबैंड नाना साहेब द अडोप्टेड सन ऑफ Teshwa daji Rao pleased that he the given his father pension when the letter died. Of... However, the company confident of its authorities and military Tower turned down these pleas. सो so, जो नाना साहब थे वो तेशवा दाजीराव जो टू थे उन्हें क्या कर रहे थे वो प्लीस्ड कर रहे थे ये लोग प्लीस्ड कर रहे थे किससे ब्रिटिशर से, से तीसड कर रहे थे कि जब इनके फादर की डेथ हो जाए तो उन्हें टेंशन मिले है ना वो चाहते थे कि जब उनके फादर की डेथ हो जाए तो आफ्टर द डेथ ऑफ इज फादर लेटर डेथ हो जाए उन्हें वो टेंशन मिले देन जो कंपनी थी वो वो क्या थी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी है ना उनके पास पावर वगैरह थी तो वो क्या थी बहुत कॉन्फिडेंट थी तो वो रानी लक्ष्मी दाई की और इनकी पेशवा की बात को ज्यादा नहीं सुन रही थी Awadh was one of the last territory to the NA In 1801 a subsidiary alliance was imposed on the Awadh and in 1856 it was overtaken Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure the proper administration अब क्या हुआ था यहाँ पे जो सब्सिडरी वर्ड यूज हुआ है सब्सिडरी अलायंस का मीन्स होता है अब कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा राजा की अपनी खुद की आर्मी वो नहीं रख सकते ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि वो अपनी जब आर्मी को मिसगवर्न कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स उनकी टेरिटरी को क्या करेंगे ले लेंगे अवध जो था वो क्या था लास्ट टेरिटरी था जिसको ब्रिटिश गवर्नर ने क्या ब्रिटिश गवर्नर ने क्या किया था अपने कंट्रोल ने रख लिया था कंपनी इवेंट देंट टू प्लान हाउ टू ड्रिंग मुगल डायनेस्टी टू द एंड जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी अब प्लांस बना रही थी कैसे मुगल डायनेस्टी को एंड किया जाए द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव जो मुगल किंग का था पहले क्या होता था प्वाइंट ने उनके नेम होते थे जो जो नेम होते थे ना वो, वो चाहते थे कि वो क्या हो जाए रिमूव्ड हो जाए इन एटीन फोर्टी नाइन्थ ध्यान से सुनिएगा जो गवर्नर जनरल डरहा था उन्होंने क्या अनाउंस किया दैट आफ्टर द डेथ ऑफ दादर शाह जफर ज़... सॉरी दहादुर शाह जो जफर थे क्या थे वो उन्होंने क्या अनाउंस किया था अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ दहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट वहां पे रेड फोर्ट हुआ करता था जब उनकी डेथ हो जाएगी ना तो उनकी फैमिली को कहा शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट के दहर क्लियर स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग ऐसा कहना था उनका जनरल गवर्नर का कि जो बहादुर शाह जफर था वो क्या था लास्ट मुगल किंग रहेगा उसके दाँत के जो किंग रहेंगे वो क्या रहेंगे जो उसके दात के लोग रहेंगे उनको प्रिंस बुलाया जाएगा और वो किंग नहीं रहेंगे सो so, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है द तीजेंट एंड द सितोयो इन द कंट्री साइड टीजेंट एंड जमीदार रिसेंटेड द हाई टैक्स एंड द रिजिट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन अब क्या हुआ था कंट्री साइड में जो तीजेंट्स थे और जमीदार थे वो क्या कर रहे थे हाई टैक्स ले रहे थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे बहुत हाई टैक्स लेते थे किससे लेते थे तीजेंट्स और जमीदार से और उनका जो मेथड ऑफ कलेक्टिंग था ना वो कैसा था रिजिट मेथड था फेल टू टे दैट देर लोन बहुत सारे लोग क्या हो गए फेल हो गए लोन पे करने के लिए मनी लैंडर एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टाइल्ड फॉर द जनरेशन और उन्होंने क्या कर दिया जब वो लोन नहीं ते कर पाएंगे तो उन्होंने अपनी लैंड को क्या कर दिया उनकी लैंड जब्त हो गई द इंडियन सितोए इन द इम्प्लॉज ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिस्कंटिन्यू जो इंडियंस इंप्लायी थे ना कंपनी के उनके पास भी बहुत सारे रीजन थे डिसकंटिन्यू करने के वो क्या थे दे वार वेरी अनहैप्पी अदाउट द ते अलोस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज वो भी क्या थे बहुत अनहैप्पी थे जो भी उनके सर्विसेस थी उसकी वजह से वो अनहैप्पी थे सम ऑफ द न्यू रूलर्स न्यू रूल्स नोर एवर वायलेटेड देअर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ जो क्या हुआ बहुत सारे न्यू रूल्स आ गए थे तो उसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रही थी डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल ऑफ द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लोज देअर रिलीजन एंड कास्ट आपको पता है कि जब वहां के उस टाइम पे क्या हो रहा था अगर मान लो बहुत सारे टीपल्स थे जो कंट्री के वो ऐसा बिलीव कर रहे थे कि अगर वो सी रूट को क्रॉस करते हैं तो उनका रिलीजन और कास्ट क्या हो जाएगा हार्म पहुंचेगा उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो जाएगा सो वेन इन एटीन ट्वेंटी फोर द सितोयो व टोल्ड टू गो टू दुर्ना दाय दी रूट एटीन बोलना 1824 में क्या हुआ था दर्मा के जो लोग थे ना उन्होंने क्या बोल दिया था कि आपको क्या करना है सी रूट के थ्रू क्या करना है सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर वो लोग क्या कर रहे थे उनको कहा गया कि आप सी रूट से जाइए क्या करने के लिए फाइट करने के लिए कंपनी से लेकिन उन्होंने क्या किया उस ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया वो एग्री नहीं कर रहे थे उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट वो चाहते थे कि हम लैंड रूट से जाए वो सी रूट से जाना नहीं चाहते थे उसके लिए उनको क्या मिली बहुत सारी पनिशमेंट मिली सिंस द इशू और वहां पर वो जो इशू था वो क्या हुआ डाय नहीं हुआ इशू खत्म नहीं हुआ इशू चलता रहा इन एटीन फिफ्टी सिक्स द कंपनी तासेस एटीन फिफ्टी सिक्स ने क्या हुआ कंपनी ने तास किया न्यू रूल स्टेट दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप द इम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी अब इसने क्या बताया गया कि अगर कोई उस कंपनी में इम्प्लॉयमेंट लेगा तो उनको कैसे जाना पड़ेगा सी रूट से होके जाना पड़ेगा थैंक यू स्टूडेंट सो आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट